हरितालिका तीज पर्व की रही धूम, सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया पूजा अर्चना। भागलपुर में सुहागिन आज 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए शिव पार्वती गणेश की पूजा करती हैं। पति के दीर्घायु की कामना का व्रत तीज पूरे आस्था और श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिनों ने निर्जला और निराहार रहकर हरितालिका तीज का व्रत रखा। दोपहर बेला में भगवान शिव पार्वती और गणपति के विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही अखंड सौभाग्य होने और अपने सुखमय वैवाहिक जीवन का वरदान मांगा। कई स्थानों पर व्रती महिला सामूहिक रात जागरण करती रही। पुजारी राजेंद्र मिश्र ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान शिव पार्वती और गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। उन्होंने बताया कि अविवाहित कन्याएं भी अच्छे पति की कामना को लेकर तीज का व्रत करती हैं। बताया कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। कानूनी सन न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामन सिंह की रिपोर्ट।